إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا مرشدين الكرام شہ نشین پر بیٹھے ہوئے حضرات برادران ملت عزیز نوجوانوں محترم خواتین اور پیارے بچوں अभी तक आपने कुछ नातिया प्रोग्राम को भी सुना और एक झिझोड़ने वाली पुरजोश वजह में लाने वाली तकरीर को भी समाप्त फरमाया। मुझे साहब ने काफी झिझोड़ा ये मैं समझ रहा हूं, पता नहीं आप झिझोड़े गए या नहीं, ये अल्लाह को मालूम है। झिझोड़ा मुआशरे को झिझोड़ा, हमारे अपने अफाल और किरदार को झिझोड़ा, मकसद बुरा नहीं था, तनकीद एतराज करना मकसद नहीं था, बल्कि मेरे में उनमें फर्क यह है कि मैं डॉक्टर हूं वो सर्जन है, दोनों इलाज करना चाहते हैं लेकिन ये काट कर इलाज करता है या दवा देकर इलाज करता है। इसी वजह से लोग मुझे शीरी बयान कहते हैं, लेकिन मैं जिस अंदाज से काटता हूं वो काट ऐसी होती है कट तो जाता है मगर दर्द नहीं होता। तो मगर उनके दर्द को महसूस करना चाहिए, ये बुरा मत समझो कि ये साहब बोलते हैं बहुत ही टफ बोलते हैं हार्श बोलते हैं, तो ये इनका ऐसा मतलब है, ड्राइविंग इनके हार्श जरूर है, मतलब ये है कि जल्दी मंजिल पर पहुंच जाए। तो मैं आहिस्ता चलाता हूँ ताकि देर से पहुंचे तो सही से पहुंच जाए और आपको तकलीफ किस्म के ना होने पाए। इस वजह से उन्होंने आपके सामने जो बातें की इस जलसे के ताल्लुक से, जलसा मनाने वालों के ताल्लुक से, इस्लाम की बातें आपके सामने रखी है, बुराई की बातें नहीं थी। मैं तकरीर में जवाब दे देता हूँ उनका, आपकी तरफ से जवाब देता हूँ, मेरी तरफ से जवाब नहीं देता, आपकी तरफ से उनको जवाब दे देता हूँ, वो भी बहुत ही अदब और एहतराम के साथ जवाब देता हूँ, ताकि आप ये ना समझे कि मुझे साहब ने तकरीर की साहब हमारे मकसद के खिलाफ ये तकरीर की और ये कहा साहब जलसे किस नीयत से किए जा रहे हैं, जलसा करने वालों की नीयत क्या है, जलसे में तकरीर करने वालों की नीयत क्या है। और कुछ ये भी कई लोगों ने सिरतुल्ला साहब ने भी शिकायत की कि जलसे में जितने है तो लोग ज्यादा, लेकिन जितने ज्यादा होने चाहिए उतने ज्यादा नहीं है। मैं तो कहता हूँ फिर भी अच्छे है, इमाम हुसैन के साथ तो पार्षद है, इमाम हुसैन के साथ बहत्तर हो गए, बहत्तर कौन, छह महीने का बच्चा भी उसमें शामिल, ऐसे बहत्तर थे, अगर उसको देखे तो हमारे पास बहुत ज्यादा लोग हैं। और वाकई ये होता है कि जहाँ हक सर उठाता है वहां पर लोग कम होते हैं, और बातें का जैसा करो और वाली करके देखो, एक्टर को बुलाओ तो मस्जिद क्या चंद्रन पूरा भर जाएगा, हाथिल है वहां लोग कसरत होते हैं, जहाँ हाथ है वहां लोग कम होते हैं, लोगों का कम होना
हमारे हक पर होने की दलील है। हक पर कौन होता है? हम ही होते हैं। कुरान की आयत आपने पढ़ी, महके माओ की जब बिशारत दी गई तो अल्लाह ने साफ तौर पर कहा वलाकिन्ना अक्सरुन्नासि ला युमिनून, अक्सर लोग महके माओ पर ईमान नहीं लाएंगे। तो यार लोग आपसे पूछे कि तुम्हारी जमात कितनी छोटी है कितनी थोड़ी है, और हमको देखो कि लाखों के तादाद में उनके साथ कहो रेत के कंगरे गाड़ियां भर जाते हैं और जौहर मोती बहुत ही कम होते हैं। तो जो कम होते हैं उनकी कीमत ज्यादा होती है। एक एक मोती भी बिकता है तो हजारों गाड़ियां बिकने के बाद भी उतने रुपये नहीं मिलते जितना की एक मोती बिकने से मिलते हैं। तो हमको हमारी अकलियत पर हमको शर्म महसूस नहीं होती कि हमारी अकलियत पर अल्लाह ताला ने हमको गवाही दी है और साफ तौर बताया है। जब सत्य अगर देखा जाए तो इमाम हुसैन के साथ 72 थे। क्या दुनिया इस्लाम का कोई शख्स या कोई मौलवी ये दावा कर सकता है इमाम हुसैन हक पर होते तो सारी दुनिया उनके साथ हो जाती? इमाम हुसैन चूंकि हक पर नहीं थे इसलिए यजीद के साथ हुए। क्या आप यजीद को हक पर मानने के लिए तैयार है? और ये दलील पेश करने के लाखों की हजारों की तादाद में लोग थे नहीं, 40,000 का लश्कर तो इमाम हुसैन को शहीद करने के लिए आया था। क्या ये जमहूरियत के कह सकती है क्या लोग हक की तरफ है अक्सरियत की तरफ है? जभी तो लोग उनका साथ दे रहे थे और इमाम हुसैन चूंकि नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह इमाम हुसैन ना हक पर थे इसलिए 72 भी मिलो कह रहा हूँ। 72 भी आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। अकीले के अफराद थे ज्यादा, अकीले वाले ज्यादा थे, मिलाकर 72 होते हैं। और कहां से लोग आ गए थे? और इससे ये बात ही मालूम होती है, इससे ये बात ही मालूम होती है कि वो जो कुरान ने कहा था कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कितनी ही छोटी जमातें हैं जो बड़ी जमातों पर फतह पाती हैं। ताकत तो कुव्वत के बल बोते पर नहीं, अल्लाह ताला के हुक्म से फतह पाती है, अल्लाह के हुक्म से फतह पाती है। तो आप अपने आप को कभी कलील महसूस न करो, आप अपने आप को कभी कलील महसूस न करो बल्कि खलील महसूस करो। अल्लाह के दोस्त कम होते हैं। अंबिया की पूरी जमात में खलील कौन था? इब्राहिम एक था, उसको अल्लाह तआला खलील के नाम से पुकारा। अल्लाह के तमाम पैगंबरों में हबीब कौन था? एक ही था जिस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से याद करते। तो बोला ये अंबोह कसीर की तमन्ना मत करो। मैं उन तमाम लोगों का इस्तेमाल करता हूँ नौजवानों का जो आज इस मस्जिद को सुनने के लिए आए हैं, इसलिए कि उनके पास तड़प है, तलब है, और ये जलसे इसलिए करते हैं ताकि ताकि कहीं यजीद के लश्करों में से कहीं लोग इस आपको तरगीब देकर अपनी जमात में शामिल ना कर ले। तो इसलिए जैसे कहते हैं कि तुम हुसैनी बनो यजीदी मत बनो, वरना वक्त का यजीद तो आज इस बात की कोशिश कर रहा है कि अपनी जमात के लश्कर में सबको शरीक कर ले। कभी तो माल दिया जा रहा है, कभी तो नौकरियां दी जा रही हैं, कहीं तो लड़कियां दी जा रही हैं, और कहीं तो फतवे निकल रहे हैं, कहीं तो किताब से शायद किए जा रहे हैं। और इन तमाम चीजों का मकसद ये यजीद का कि देखो हमारे लश्कर में आ जाओ, तो हम उसके जवाब में अल्लाह और रसूल का नाम लेकर जमा करते हैं कि कहीं इनकी चिकनी चपड़ी बातों में आकर इनके साथ न चले जाओ। हमारे पास है, हकीकत है, और हकीकत पर पर्दा डालने की अगर कोशिश की जा रही है तो हम आज बहुत ऑपरेशन थोड़ा सा आंख का कर रहे हैं कि देखो तो दिल की आंख से देखो, जाहिरी आंखों से ना देखो। दिल की आंखों से आप देखो तो आत्मान होगा कि इस मजमे में बैठे हुए अपराध जो आए हैं तो सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में आए हुए हैं, हक तो सदाकत की तरफ दावा बनने के लिए आए हैं। एक हज कबूल हुआ था, किसका? जो हज को गया नहीं उसका कबूल हुआ। लाखों आदमी जमा हुए सो रहे हैं घर में, तो फिर मालूम हुआ फरिश्ते आए सिराने खड़े हुए हैं, उन्होंने पूछा कि भाई क्या निकल रहे हो? तो कहा इस साल कितने लोगों के हज को अल्लाह ने कबूल किया है तो मैं उनके नाम लिख रहा हूँ। उन्होंने कहा क्या मेरा भी इरादा है, क्या मेरा भी नाम है?
उन हाजियों में जिनके हज को अल्लाह ने कबूल किया है और तुम्हारा नाम नहीं है। तो वो बेचारा रोता रहा, वो बेचारा रोता रहा, इस साल के हाज मुबारक जिनका हज हुआ है, कबूल हुआ है, उसमें मेरा नाम नहीं है। रोता रोता अल्लाह को याद करता हुआ सो गया। और फिर ख्वाब दूसरे ने देखा, फिर वो दो फरिश्ते हैं, वो क्या है? बोले आज भी वही सिलसिला जारी है, फिर सीखी जा रही है। तो फिर पूछा क्या मेरा नाम है? तो कहा ये हज को अल्लाह ने कबूल किया है और उस हज के हाजी के सत्ते में अल्लाह ने सबके हज को कबूल किया है। पर वो कौन है? तो कहा ये वो शख्स है जिसने हज भी नहीं किया लेकिन उसके इस्तेफार और रोने को, उसके हज को अल्लाह ने इतना कबूल किया है। कहा कि सबके हज को उसके हज के सिलसिले में कबूल कर लेना चाहिए। माना क्या हुसैन नहीं है लेकिन गुलामा ने हुसैन को है। माना कि आप करबला को नहीं गए, शोहदा को नहीं देखा, लेकिन आपके दिल में शोहदा की मोहब्बत तो है। और मुझे उम्मीद है कि शहीदों से भी मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उन मोहब्बत, उस मोहब्बत के सस्ते में उन मोहिबों को भी अल्लाह कबूल कर लेगा। ये सब हालात का इंतजार होता है, हालात पर निर्भर होता है। हम जो तकरीरें करते हैं उसका मकसद ये होता है, आज तो हम अमान की कैफियत है, आज आपके पास खुशहाली है, आज आपको कुछ टोकने वाला नहीं है, लेकिन अगर कल को कुछ टोकने वाला पैदा हो जाए तो क्या रविश अख्तियार करनी चाहिए? इमाम हुसैन के सत्ते में हालात बयान करते हैं, हालात खराब हो जाए, दुश्मन कभी हो जाए, ताकतवर सामने आ जाए। तो याद रखो कि सबसे बड़ी ताकत ईमान की है, सामान की नहीं हुआ करते। ये पहला महत्व देना चाहते हैं। आज हम अमान की कैफियत है, कोई आपको नहीं करना है, यदि अपने आप खामोश बैठा हुआ है, लेकिन ये क्या ये मुमकिन नहीं है कि कल यदि अपने सर को उठा दे और अगर आपके मुकाबले में यदि आ जाए तो फिर उस सूरत में आपका किरदार क्या होना चाहिए, आपका किरदार क्या होना चाहिए? अगर सूफियों के पास जाते हैं तो अपने मस्ती अहवाल में रब है, उलमा के पास जाते हैं तो वो अपनी गर्मी गुफ्तार में खुश है, लेकिन याद रखो मस्ती अहवाल काम देती है ना तो मस्ती गुफ्तार काम देती है। यहाँ आज जिस बात की जरूरत है तो मस्ती किरदार की जरूरत है और वो गर्मी हैदर करार की जरूरत है। तो हम इसलिए वाकया बयान करते हैं, कभी ऐसा आपको वक्त आ जाए तो ऐसी सूरत में आप अगर वाकया को सुनकर रहेंगे और फिर वैसे हालात खुदा न खास्ता अगर आप पर आ भी जाए तो आपको समझना चाहिए ये कुछ भी नहीं है, हमारे आकाओं पर इससे ज्यादा हुआ है। उन्होंने जब अपने सामने लाशों को तड़पते हुए देखा है तो फिर हमको भी, हम उन्हीं के गुलाम हैं, हमको भी यह बर्दाश्त करना चाहिए, ताने से इससे हमको उलरना चाहिए। इसलिए हम आपके सामने तकरीरों को बोलते हैं, इसलिए कि बहुत ही जमाना बहुत ही खरीब में बहुत ही खराब आने वाला है, हालात अच्छे नहीं, सरों पर बादल मंडला रहे हैं, एक बिजली की देर है और धुआंधार बारिश होने वाली है। तो कम से कम छतरियां तो पकड़ लो, एक एक तकलीफ को आप एक छतरी समझो, कम से कम उससे तो आप बच सकते हैं। और वो भी ना रहा तो आपको कहना चाहिए कि हम गुस्से में डरने के लिए तैयार नहीं है, हम तो वो है कि हम पानी से तो तैरना सीखे हैं, हमारे अज्दाद ने हमको खून में तैरना सिखाया है, हम वहां भी तैरने के लिए तैयार हैं। जख्म पर जख्म होता है, अभी आपको सामने सामने तकलीफ की तो उसी वक्त मेरे सामने नया मुद्दा जहन में आया कि बस तारीनों में सबरी वसला कि सबर से भी मदद मांगो और शराब से भी मदद मांगो। तो इसमें नुकता क्या पूछा है, और इमाम हुसैन की सारी जिंदगी का खुलासा और निचोड़ यही आयत रही है कि सबर और शराब। क्या मतलब? सरतापा सबर का नाम हुसैन और सरतापा नमाज का नाम हुसैन। सबर करना मुसीबत में
ये तो हम भी करते हैं, सबर करना मुसीबत में, ये तो हम भी करते हैं। सुलेमान हुसैन ने किया तो क्या कमाल कर दिया, क्या कमाल कर दिया, मैं कहता हूँ कि बड़ा कमाल किया है, बड़ा कमाल किया है। वो कमाल ये किया है, सबर करके खामोश नहीं रहे, बच्चों को कटते देखा तो नमाज में शुक्र करते रहे, नमाज के जरिए से शुक्र करते रहे, मालिक मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझाता, बस तेरी नजर में मैं इतना बलंद हूँ कि तू मेरा इम्तिहान और भी मेरे कुंभों के साथ मेरे कबीले वालों को कटा कर वो मंगल तू शायद कहना चाहता है, तू देखना चाहता है कि हुसैन बेसबरा हो जाए, जगह सबरा करने लगे, हाथ उठ जाए, दुआ करे, अल्लाह मैं रसूल का नवासा हूँ, तेरे हबीब का नवासा हूँ, मुझ पर ये जुल्म क्यों हो रहा है, शायद तू देखना चाहता है, मैं वो नहीं जो हाथ उठाऊं, मैं वो हूँ जो सर को झुकाऊं, मैं सजदे में सर देता हूँ, शुक्रगुजारी का सजदा करता हूँ कि तूने मेरे नातवा को सुलेमान बना दिया। मामूल ड्यूटी की हैसियत तेरे बगलों में, तेरे बंदों में मेरी हैसियत ड्यूटी की थी, लेकिन तूने मुझे सुलेमान बना दिया, तो तूने मुझे इतना ऊंचा मुकाम दे दिया कि जिस हादसे में पहाड़ लड़ जाए उस हादसे में तू मुझे देख रहा है कि पहाड़ हल्का हो तो हल जाए, लेकिन हुसैन का दिल अपनी जगह से हटने के लिए तैयार नहीं, वो पाए जहाज को कोई मुतरजलजल नहीं कर सकता, उसके एहतिकाद को कोई मुतरजलजल नहीं कर सकता। नौजवानों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हालात कुछ भी हो जाए, लेकिन आपने जिस ईमान की तस्दीक की है उसके ताल्लुक से तुम्हारे पाए सवाल में कि कहीं भी हल्की सी जुम्मी कर नहीं होनी चाहिए, रास्ता तय है, मंजिल मुतायन है, तखत तुमको चलना है और साबित खदमी के साथ रहना है, तो साबित खदमी के साथ चलो और जरूरत पड़ जाए तो इमाम हुसैन की बंदगी सैयद कुरनी सिद्दत आयत की मिसालों को सामने रखो और ये कहो कि हमारे आबा व अजदाद हैं, शुहदा क्या करते हैं, शुहदा क्या करते हैं, रात अंधेरी होती है, जुल्म तुग्यान की रात आती है, जब वो इत्तेदाद की रात आती है, जालिम की जालिमाना कुव्वतों के साथ, अपने कहरमाना ताकतों के साथ, लाऊ लश्कर के साथ, फौज के साथ वो दंडनाते हुए आता है, पूरे चराहों को बुझा देता है, पूरे चराहों को बुझा देता है। सहाबाए किराम भी थे यजीद के लश्कर में जाने वालों में से, सहाबाए किराम भी थे, वो भी चले गए थे यजीद के लश्कर में। अब क्या करना चाहिए, अब कैसे चलना चाहिए, तारीकी में कुछ चल सकता है, पूरी दुनिया तारीख, इस्लामी दुनिया तारीख, इस्लामी दुनिया को सबक मिलता था, हुक्म मिलता था, रोशनी मिलती थी खिलाफत के जरिए से, और खिलाफत पर जालिम बैठा हुआ है जिसका नाम यजीद है, उसने तमाम चराहों को जिनसे रोशनी ली जा सकती थी उन चराहों को दौलत की झंकार के जरिए से फूंक कर बुझा दिया। अब चलने वाले क्या करेंगे, इमाम हुसैन के सामने फकत अपने साथियों की फिक्र नहीं थी, इमाम हुसैन ने कहा ये चराह सब बुझ गए हैं तो अब आने वाली कौम कैसे चलेगी।